सनस्क्रीन जो कि मैंने ऑर्डर की थी हनी की रिकमेंडेशन पे। और गाइज स्किन केयर के बाद जो ग्लो आती है ना उससे ही आप जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसे ही मैं नीचे आई मैंने देखा यहाँ पे हनी की डाइट टूटी हुई है। A very good morning everyone. I hope you all are doing well. Breakfast making is my favorite part of a day. Obviously, intermittent fasting करती हूँ like 14 to 18 hours, तो इतनी ज़्यादा भूख लगती है सुबह के टाइम, बस होता है कि जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाऊँ और कुछ खा पी लूँ और बस जान आ जाए वजह। आप सब तो मेरी मॉर्निंग रूटीन रोज़ देखते हैं बल्कि बोर भी हो गए होंगे, लेकिन मुझे आप अपनी मॉर्निंग रूटीन ज़रूर बताएं कि व्हाट डू यू प्रेफर इन ब्रेकफास्ट, आप सुबह उठ के क्या करते हैं। I really need to tell you about this coffee. ये पाकिस्तानी ब्रांड है, सबसे पहले तो उसकी ये अच्छी बात है। एंड ये मेरी सेकेंड बॉटल है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट बॉटल जो मैंने ली थी वो थी फ्रेंच वनीला। ओ माई गॉड, इसका फ्लेवर इतना रिच था जैसे टमाटर्स का होता है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। मैंने समझा फ्रेंच वनीला ही अच्छा होगा, लेकिन दूसरा फ्लेवर जो मैंने हेजलनट लिया वो भी बहुत ही अच्छा था। लिटरली हेजलनट का इतना रिच फ्लेवर है इसमें कि आई कांट इवन टेल यू, यू नीड टू ट्राई इट आउट। एंड देखिए बातों बातों में मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। आई डोंट नो व्हाई आजकल केचप मुझे इतनी क्यों पसंद है। आपको पता है आई यूज्ड टू हेट केचप फॉर माय होल लाइफ। बाय द वे गाइस, जब से मैंने डाइट स्टार्ट की है मैं ठंड की वजह से लाउंज में ही वॉक करती थी, लेकिन अभी ठंड कम लग रही थी मुझे थोड़ी सी, तो मैंने वॉक करना स्टार्ट किया पार्किंग में, बहुत ही रिफ्रेशिंग था। मैं अपने रूम में ऊपर आ चुकी हूँ एंड अब हम करेंगे अपनी स्किन केयर। मैंने रात भी नहीं की थी, बेड पे गिरी और सो गई, आई डिडंट डू एनीथिंग। मैं लारे की स्किन केयर लेने गई थी तो मैंने अपने लिए भी ये रोज़ वाटर ले लिया है और इसका रोज़ वाटर बहुत ही अच्छा है, स्पाइन अ बॉटल कहते हैं, वाकई इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो लेट्स ओपन इट एंड अप्लाई, लेट इट ड्राई। एज यूजुअल नाउ आई विल यूज माई विटामिन सी सीरम and now I'm using this petroleum jelly क्योंकि winters में this works best as a moisturizer and always apply your product like this direction, don't do it like this, आपकी skin बहुत ही फिर सैगी हो जाएगी और ऐसे बस लटक जाएगा आपका face। Just apply in upward direction like this, खास करके इस area से and इस area से आपको ऐसे ऊपर लेके। And guys, can you believe? मैंने ये अपनी ग्रॉसरी अभी तक सेट नहीं की, बस मैं आप लोगों के साथ अब सेट करती हूँ, लेट्स गो। अच्छा जी, तो सबसे पहले टॉयलेटरी सेट करते हैं। सो दीज आर शैम्पू, कंडीशनर एंड माउथ वॉश। ठीक, सो फिर आई एम गोना पुट माय कंडीशनर, शैम्पू एंड उसके बाद जो है ये माउथ वॉश। ये वाला माउथ वॉश तो मैं लेती नहीं हूँ बट थोड़ा सा प्रोडक्ट इसमें है तो ये फिनिश करके फेंक देंगे। दिस इज माई मसाजर, ये बहुत अच्छी क्लेंजिंग करता है, मतलब इससे ये लगा के ये इससे मैं मसाज करती हूँ तो स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है। बात थी एंड बेटर। एंड गाइस, हियर वी हैव ऑल द स्किन केयर। अब हम करते हैं इसको अनपैक में, इस सेक्शन में लाइक स्किन केयर सेक्शन में है विटामिन सी जो कि ये पिछला वाला खत्म होने वाला है, देन आई यूज इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज इट को नेचुरल का लाइक या। ये दोनों हमने सीरम्स यहाँ पे सेट कर दिए। अब ये जो है ना ब्लैक सीड कैस्टर ऑयल और ये सारे, ये मैं साथ एक साथ ही लिटरली अपनी बॉटल बनाई थी ऑयल की, उसमें डाल दी। गाइज आई गॉट एन आइडिया, ये मेरे पास हाइलोरोनिक एसिड की खाली बॉटल पड़ी हुई थी एंड मुझे ये लेफ्ट ओवर कैस्टर ऑयल भी पड़ा हुआ था, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये कैस्टर ऑयल उठा के इस बॉटल में डालूंगी। आई लैश पे हमने कैस्टर ऑयल लगा दिया है, इससे आपकी लैशेस जो है वो ग्रो करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट गुड लैशेस, लेकिन और एनहेंस करने के लिए मैं लगा रही हूँ। आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं अगर आपके आईब्रोज जो है वो थिन है लाइक मैजिक। ओके गाइस, जैसे ही मैं नीचे आई मैंने देखा यहाँ पे हनी की डाइट टूटी हुई है, उसे बना रही है फ्रीज किए हुए। इस लड़की से कभी डाइट नहीं होगी, कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। गाइस इतनी ठंडी आज मैं आपको बता नहीं सकती, जरे घट मुझे अटैक पड़ना है। मैं बहुत सीरियस हूँ, बाकी में आज बहुत सर्दी है। अगर कुछ भी नहीं होगा, ये वो किया पहन गया, मेरा एक साइड जो है ना वो बिल्कुल।
ठंडा हो गया है। गैलरी का मगर तक दरवाजा खुला हुआ था, मगर तक गैलरी का दरवाजा खुला हुआ था। वो मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला खुला हुआ है। फिर जब मुझे सर में दर्द होना स्टार्ट हुआ तब मैंने बंद किया। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अटैक पड़ने वाला है, तभी मैं नीचे नहीं पड़ता। इतना जल्दी अटैक पटैक नहीं पड़ते, होता है। अभी मैं अपने लिए फ्रूट कट कर रही हूँ और हनी यहाँ पे मोमोज बना रही है। गाइज यू नो, जब भी मैं डाइट करती हूँ मेरे घर पे इतनी ज़्यादा चीज़ें बनती है, जैसे बिरयानी बनी थी कल, आज जो है ये मोमोज बना रहे हैं और अभी बर्गर्स बना रहे थे। ऑनेस्टली मुझे पता है मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ। मेरा नहीं है, ये है मोमोज जो उन्होंने बना लिए अपने लिए, फ्रीज किए हुए मोमोज। अब मुझे लग रहा है ख़राब होने वाले। मेरा बहुत दिल कर रहा है मोमोज खाने का। मैं एक मोमो उठाऊंगी और हाफ खाऊंगी, बस दैट्स इट। तो अब आता है डिनर का टाइम। डिनर की प्रिपरेशन में कर रही हूँ सैलेड कट करने से, एंड ऑफ कोर्स आई एम मीटिंग कल वाली बिरयानी। बिरयानी कोई भी होना मुझे बहुत पसंद है, फिर वो कल वाली क्यों ना हो। एंड कल वाली इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी कि नेक्स्ट डे तक उसका टेस्ट और एनहेंस हो गया था। सैडली बिरयानी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो मैं फुल भी नहीं हुई थी। फिर मैंने क्यूकम्बर्स खाए, उसके बाद जो है मैंने आलमंड्स निकाले और वो भी खाए। और आलमंड्स मैं हमेशा काउंट करके 7 खाती हूँ, क्योंकि कहते हैं 7 खाने से आपका दिमाग तेज होता है, जो कि फिर भी नहीं हो रहा। चले अब बनाते हैं अपनी ग्रीन टी विद सम लेमन जूस एंड एप्पल साइडर विनेगर एंड ग्रीन टी टी बैग। अभी बस मैं ग्रीन टी पीऊंगी एंड उसके बाद 30 मिनट्स अपनी रूटीन वॉक करूंगी। गाइस मैं ऊपर आ चुकी हूँ। ये है सनस्क्रीन जो कि मैंने ऑर्डर की थी हनी के रिकमेंडेशन पे, क्योंकि उसने एक जो ट्यूब है यूज करके और फिर जो है मुझे रिजल्ट्स बताया कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जब मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा, ये वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि ये सनब्लॉक तो है लेकिन इसके साथ ही मॉइस्चराइज भी करता है। सो लेट्स ओपन इट। ये हमने 2 ऑर्डर किए थे, एक हनी अपना लेके गई है एंड दिस इज द अदर वन जो कि मेरा है। सनब्लॉक जो है मेडिकेटेड है, परफ्यूम फ्री है। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है परफ्यूम से, देयर विल बी नो स्मेल। ये इसमें कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं है, कोई ग्रीजी इफेक्ट भी नहीं है। तो अभी ओपन करते हैं इसको। एंड गाइज लेट मी क्लियर यू कि सनब्लॉक ये नहीं होता कि अगर आप सन एक्सपोजर में बाहर जाते हैं उसी वक्त सिर्फ आपको अप्लाई करना होता है। सनब्लॉक इज लाइक घर पे भी अप्लाई करना होता है, क्योंकि घर पे भी आपकी लाइट्स होती हैं, किसी भी कलर की लाइट्स हैं, आपको अफेक्ट करती है। सन एक्सपोजर जितना ऑब्वियसली नहीं करती लेकिन थोड़ा बहुत तो अफेक्ट कर ही लेती हैं, जिससे आपको रिंकल्स होती हैं, जुड़ियाँ होती हैं, पिगमेंटेशन वगैरह, मतलब आपकी जो स्किन है ना वो ड्राई भी होती जाती है, वो एज करती है यूवी रेज की वजह से। ओके गाइस, सो हैव डन माय स्किन केयर और अभी हो रहा है सोने का टाइम और मेरा ब्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो एंड मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एंड ऑल्सो माय स्किन इज इम्प्रूविंग आफ्टर यूजिंग विटामिन सी सीरम इन द मॉर्निंग। थोड़ा ही टाइम हुआ है, 2-3 हफ्ते हुए आई एम यूजिंग विटामिन सी। अदरवाइज मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इतनी कोई खास नहीं करती थी रेगुलरली और ना ही विटामिन सी यूज़ करती थी, बट द विटामिन सी इज़ वाह। और गाइस स्किन केयर के बाद जो ग्लो आती है ना उससे ही आप जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं। मैं तो बहुत मुतमैन हो जाती हूँ कि शुक्र है कुछ, मतलब कोई चीज़ वर्क तो कर रही है, किसी चीज़ का असर तो हो रहा है मेरी स्किन पे। बस इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आई एम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।